इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग पूरी तरह से छा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आज विदा दशमी है और विदा दशमी पे इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग पूरी तरह से छा गया है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का गाना ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे। खेसारी लाल यादव का एक विदाई गीत गाना है, जिस गाने का नाम है कैसे रहा बिना माई के, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। ये गाना इंस्टाग्राम पे एक नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव का ये विदाई गीत गाना पुराना गाना है और इंस्टाग्राम पे एक नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। वहीं बात कीजिए पवन सिंह के बारे में, तो पवन सिंह का दुनिया भर का गाना इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। टॉप 50 में पवन सिंह का 6-7 विदाई गीत गाना ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, टॉप 50 में पवन सिंह का 6-7 ओल्ड विदाई गीत गाना ट्रेंड कर रहा है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। और हो सकता है पवन सिंह का भी गाना एक नंबर पे आ जाए, क्योंकि बहुत तेजी से पवन सिंह के गाने पे भी रील्स बन रहा है। और इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग को मैं ओरिजिनल ट्रेंडिंग मानता हूँ। हाँ, एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग में गाना मात्र 3 दिन ही रहता है, फिर दूसरे किसी गाने का नंबर आ जाता है। हाँ तो दोस्तों, अभी का बड़ी खबर यही है कि विदाई गीत गाना पूरी तरह से छा गया है इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग में। हाँ तो दोस्तों, ये पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का अपडेट आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।